Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमन अंसारी, आप सभी लोगों का कार्तिकेय 2 के डे नंबर 9 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? कार्तिकेय 2 कंटिन्यूज इट्स अमेजिंग रन एट द बॉक्स ऑफिस। इट्स अ ब्लॉकबस्टर नॉट ओनली इन इंडिया एज वेल एज ओवरसीज। कार्तिकेय 2 रुकने का नाम नहीं ले रहा एंड आने वाले समय में चाहे लाइगर हो या फिर दूसरा कोई हफ्ता हो, कार्तिकेय 2 विल बी अनस्टॉपेबल। सबसे पहले हम हिंदी वर्जन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद डे नंबर 8 पर क्या धमाका किया उसके बारे में बात करेंगे, एंड उसके बाद आज डे नंबर 9 पे ये क्या कर रहा है। देखिए गाइस, एक फिल्म की ऑक्यूपेंसी उसकी सफलता जो है वो पूर्ण तरीके से बयां कर देती है, एंड आज डिजिटल एज में यहाँ पर ऑक्यूपेंसी सामने आई जाती है। आज संडे का दिन इस फिल्म के लिए इतना जबरदस्त चल रहा है, यू वोंट बिलीव। एक एक सेंटर पर मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी से ये फिल्म चल रही है एंड द हिंदी वर्जन इज जस्ट टेकन ऑफ। पहले दिन जहां पर मुंबई में हमको शोज ढूंढने पड़ रहे थे, गिन के 9 शोज लगे, एंड आज इतने शोज है कि थिएटर्स खचा खच भरे हुए हैं। लाल सिंह चड्ढा एंड रक्षाबंधन के शोज को निकालकर आज कार्तिकेय 2 हैज मोर शोज देन रक्षाबंधन एंड लाल सिंह चड्ढा। यही इस फिल्म के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, बात करूं हिंदी वर्जन की, पहले दिन 7 लाख, दूसरे दिन 28 लाख, मैं डेली कहता रहूंगा जब तक ये फिल्म में कलेक्शन है, क्योंकि लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि इस फिल्म को इतने कम शोज थे कि इसने 7 लाख से शुरुआत की। 7 लाख, 28 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, फिर 1 करोड़ 28 लाख, फिर 1.38 करोड़ एंड 1.64 करोड़। सभी को लगा कि अब समय समाप्ति की घोषणा है, जन्माष्टमी का दिन आया, फिल्म ने सबको सरप्राइज करते हुए 2.46 करोड़ की कमाई की। एंड गाइस, 8वें दिन लग रहा था कहीं ना कहीं फिल्म 3 करोड़ के ऊपर जाएगी, एंड बॉय ओ बॉय, द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर कार्तिकेय 2 ऑन इट्स 8th डे इन द हिंदी वर्जन इज 3.04 करोड़। ये फिल्म ने सबको सरप्राइज कर दिया है एंड अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज संडे कहीं ना कहीं 3.5 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है इसका कलेक्शन। एंड इसी के साथ 8 दिनों में इसने वो कर दिखाया जो इससे पहले बहुत सारी साउथ की फिल्में जो बड़े बड़े स्टार्स को लेकर यहाँ आई थी डब होकर, उन्होंने भी नहीं किया। इसने 8 दिनों में 11.25 करोड़, यस फ्रेंड्स, 11.25 करोड़ का अद्भुत अविश्वसनीय बिजनेस किया है, जिसका ग्रॉस होता है 13.25 करोड़। गाइस, 7 दिनों में इस फिल्म ने 52.30 करोड़ का वर्ल्ड वाइड टोटल किया था। 8वें दिन हमारा प्रेडिक्शन था कि फिल्म कहीं ना कहीं 8 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करेगी, लेकिन गाइस इसने 8 नहीं बल्कि अपने डे नंबर 8 पर माइंड बॉगलिंग 9 करोड़ का बिजनेस किया है पूरे वर्ल्ड वाइड। एंड गाइस, आफ्टर 8 डेज कार्तिकेय 2 इज स्टैंडिंग एट 61.30 करोड़ वर्ल्ड वाइड, एंड 8th डे पर हिंदी ने 3.04 करोड़ तो कमाए। इसका जो एपी तेलंगाना कलेक्शन था वो 4 करोड़ के ऊपर गया। दीज आर माइंड नंबिंग नंबर्स। कार्तिकेय 2 इज अ बोनाफाइड ब्लॉकबस्टर। लेकिन आज की शुरुआत जो एपिसोड की, यानी कि डे नंबर 9 की, मैं करना चाहूंगा स्पेसिफिकली हिंदी वर्जन से, क्योंकि ऑक्यूपेंसी आर हियर टू बी सीन। ये हमारे सामने है कि दर्शक किस तरह से फिल्म को पसंद कर रहे हैं। मॉर्निंग 15%, आफ्टरनून 26%, इवनिंग 34%, एंड रात के शोज ऑलमोस्ट 30%+ की ऑक्यूपेंसी लेकर चल रहे हैं। ये होता है एक सफल फिल्म की ऑक्यूपेंसी। मुंबई की बात करूं, 238 शोज। कौन सोचेगा 7 से शुरुआत करके 238 शोज पर आया है। मुंबई में रात के शोज जो है अभी 40% ऑक्यूपेंसी पर चल रहे हैं। दीज आर सुपर नंबर्स। ये ऑक्यूपेंसी यहाँ पर ये सबूत है कि आज ये फिल्म डेफिनेटली 3.5 करोड़ का ऊपर का बिजनेस हिंदी वर्जन में करते हुए दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर इज सुपर, 30% ऑक्यूपेंसी एंड 323 शोज। बॉस, दिस डिजर्व अ सीरियस स्पेशल मेंशन। 323 शोज, मैंने तो कभी जिंदगी में इमेजिन नहीं किया था कि दिल्ली एनसीआर में यहाँ पे कार्तिकेय को मिलेंगे। एंड गाइस, ये शो काउंट देखकर इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि गाइस पहले दिन जब फिल्म ने शुरुआत की थी दिल्ली एनसीआर में, इसके पास 5 शोज थे। फ्रॉम अ जर्नी फ्रॉम 5 शोज टू 323 शोज इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। बात करो पुणे की, 96 शोज है, पहले दिन 6 शोज थे एंड पुणे में ऑक्यूपेंसी 42% की है। बेंगलुरु की बात करो, 29 शोज है, 100% ऑक्यूपेंसी इन द नाइट शोज, यानी कि रात के सारे शोज फुल है। एंड गाइस, पहले दिन अरे भैया ये फिल्म बैंगलोर में लगाया ही नहीं था। बात करो हैदराबाद की, हैदराबाद 21 शोज है, 30% ऑक्यूपेंसी है। कोलकाता 74 शोज, 40% ऑक्यूपेंसी पर। लुक एट अहमदाबाद, अहमदाबाद पहले दिन 6 शोज थे,
आज अहमदाबाद में 146 शोज में 44% ऑक्यूपेंसी है, सुपर्ब। सूरत 102 शोज में 35% ऑक्यूपेंसी, जयपुर 64 शोज में 20% ऑक्यूपेंसी। ऐसा लग रहा है कि आज कार्तिकेय 2 कहीं ना कहीं 3.5 के ऊपर या 3.60 करोड़ भी जाने की पूर्ण तरीके से संभावना रखती है। बात करूं चंडीगढ़, 27 शोज में 30% ऑक्यूपेंसी। लखनऊ हैज जस्ट रिजन अप टू द ओकेजन। लखनऊ में पहले दिन शून्य शोज थे, जीरो शोज थे, 67 शोज एंड आज 40% ऑक्यूपेंसी। अच्छा लगता है जब ऐसी फिल्में इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस करती है। कार्तिकेय 2 ने वापस से उम्मीद जगा कर रखी है कि अच्छा कंटेंट बनाइए, ऑडियंसेस कैसे भी आएगी फिल्म देखने के लिए। मतलब तेलुगु वर्जन द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ टुडे। अगर मैं आपसे कहूँ शुरुआत के मॉर्निंग के शोज 40% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून 60 एंड रात के शोज 75% पे चल रहे हैं, बॉस आज ये फिल्म खेल कर देगी बॉक्स ऑफिस, सीरियस बोल रहा हूँ। हैदराबाद की बात करूं 286 शोज में 79% ऑक्यूपेंसी है, बेंगलुरु 180 शोज में 45% है, चेन्नई में 100% ऑक्यूपेंसी रात के शोज, ओवरऑल 80% है, 35 शोज है, विजयवाड़ा 78 शोज 82% ऑक्यूपेंसी, वरंगल 22 शोज 54% ऑक्यूपेंसी, लुक एट गुंटूर जिला लो 94% ऑक्यूपेंसी यहाँ पर, 22 शोज है, वाइजैग 89% ऑक्यूपेंसी, निजामाबाद 90%, दिल्ली एनसीआर में 10 तेलुगु शोज थे 48%, बट मैजिक यहाँ आता है, मुंबई 6 तेलुगु शोज 5 हाउसफुल, दीज आर अनहर्ड नंबर्स गाइज, सीरियसली बोल रहा हूँ। करीमनगर 9 शोज 58% ऑक्यूपेंसी, महबूब नगर सभी लोगों का फेवरेट 3 शो 49% ऑक्यूपेंसी, काकीनाड़ा 18 शोज 13 हाउसफुल। माय प्रेडिक्शन फॉर कार्तिकेय 2, आई एम डूइंग अ वेरी ब्रेव प्रेडिक्शन, पता नहीं कल जाके सही होगा नहीं होगा, लेकिन आज ये फिल्म कहीं ना कहीं 11 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाते हुए दिखाई दे रही है। लेट्स सी गाइस, कल कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो ऑक्यूपेंसी आ रही है वो देखकर 11 करोड़ कमा रही है, एंड गाइस 9 दिनों में ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 72 करोड़ डेफिनेटली क्रॉस कर लेगी। एंड ऐसा लग रहा है कल ये हैदराबाद में, कल ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में मिनिमम 5 से 5.5 करोड़ का बिजनेस करेगी, एंड गाइस अपने हिंदी वर्जन जो है 3.5 करोड़ का बिजनेस करेगी। यहाँ पर 5.5, 6, 9 करोड़ तो एपी तेलंगाना, एंड हिंदी वर्जन में आ गया कर्नाटका है, तमिलनाडु है, वर्ल्ड वाइड है। आई सी दिस फिल्म अर्निंग 11 करोड़ ऑन इट्स 9th डे, एंड ऐसा अगर हुआ तो ये फिल्म 72 करोड़ वर्ल्ड वाइड चली जाएगी केवल 9 डेज में, विच विल बी ह्यूमंगस। ओके गाइस, होप आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।